फ्रीक्नेचर आयशा साउंड की तरफ से एक एक एम्पलीफायर PVT 1000 PVT 701 PVT 701 एंड PVC 501 ये जितने सारे एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर कौन कौन सा टॉप यहाँ पे लोड देता हूँ और कौन कौन सा टॉप इस एम्पलीफायर के साथ में चलाता हूँ, एक नज़र देख लीजिए आयशा साउंड की तरफ से। ये तो पहले शुरुआत मैंने 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ एक महीने पहले जो यूट्यूब में अपलोड किया था ऑडिटॉन स्पीकर की तरफ से, ऑडिटॉन 600 वाट या 500 वाट ये 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ मैं चलाता हूँ। देख लीजिए ये 1000 वाट एम्पलीफायर कितने वाट स्पीकर को ये लोड देता है। तो एक महीने पहले जो ऑडिटॉन 600 वाट एक टॉप में, उस टॉप तो यहाँ पे है, ये जो टॉप ये ऑडिटॉन 600 वाट नीचे ऊपर में 500 वाट यानी कुल मिला के 2200 वाट स्पीकर लोड इस टॉप में 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ में देता हूँ। और इस पे जो HF लगा है 110 वाट का, 110 और 600 वाट और 500 वाट यानी 2400 वाट लोड यहाँ पे ये 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ में चलाता हूँ। तो हैरान की कोई बात नहीं, ये 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ ये तो 2000 वाट लोड देता है, तो मैं 400 वाट लोड एक्स्ट्रा दे है क्योंकि ये स्पीकर का ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैंने ये 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ ये ऑडिटॉन टॉप 600 वाट 1000 वाट एम्पलीफायर के साथ मैं ये ऑडिटॉन ये कास्टिंग इवेंट के साथ जो टॉप मेरे पास है ये टॉप मैंने चलाता हूँ। तो उसके बाद जो 700 वाट है, 700 वाट एम्पलीफायर मेरे जितने सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर है तो उसको एक बार देख लीजिए। ये 700 वाट एम्पलीफायर के साथ मैंने यहाँ पे और जितने सारे टॉप है ये सब 400 वाट स्पीकर का फ्योरियो एक एक मॉडल पर यहाँ पे V3 स्पीकर इस टॉप में मैंने कनेक्ट किया हो। V3 यानी आजकल का जो नया मॉडल 400 वाट PODA का, उसी 700 वाट एम्पलीफायर के साथ मैंने ये टॉप को चलाता हूँ। यहाँ पे 1600 वाट स्पीकर है और HF भी 80 वाट का। तो इसके बाद और जितने सारे टॉप है उतने सारे टॉप मैंने ये 700 वाट एम्पलीफायर के साथ चलाता हूँ। ये देख लीजिए 700 वाट 500 वाट। और एक बात फिर एक नज़र देख लीजिए यहाँ पे जो 500 वाट एम्पलीफायर है, ये 500 वाट एम्पलीफायर के साथ यहाँ पे जो 12 इंची टॉप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो 12 इंची टॉप है ना, ये 12 इंची टॉप यहाँ पर 400 वाट स्पीकर स्वीटन का, ये देखिए 400 वाट स्पीकर स्वीटन का, क्योंकि यहाँ पे जो 400 वाट स्वीटन है, इस 400 वाट स्वीटन 4 पीस उस 12 इंची टॉप में मैंने कनेक्ट किया हूँ ये 400 वाट का। ये देख लीजिए 400 वाट का स्वीटन, ये स्वीटन 400 वाट का स्पीकर 12 इंची टॉप में मैंने कनेक्ट किया 500 वाट एम्पलीफायर के साथ, यानी ये जो 12 इंची टॉप के साथ दो दो चार स्पीकर है 1600 वाट का, ये 1600 वाट स्पीकर इस 500 वाट एम्पलीफायर के साथ मैं चलाता हूँ। ये हैरान की कोई बात नहीं कि ये चलता है, आसानी से चल रहा है। तो ये 500 वाट स्पीकर के साथ मैंने दो टॉप यूज किया, यहाँ पे Q1 400 वाट का है, ये जो मिनी टॉप इस टॉप में Q1 400 वाट स्पीकर के साथ ये 500 वाट एम्पलीफायर मैंने चलाता हूँ। और जो यहाँ पे पियानो एम्पलीफायर है 110 यहाँ पर 2 या 3 यूनिट मैं चलाता हूँ। और भी एम्पलीफायर है मेरे पास PVT 701 स्टेंजर का, ये भी एम्पलीफायर ये 1600 वाट स्पीकर के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं चलाता हूँ। ये देख लीजिए ए बिग टॉप और आयशा साउंड की तरफ से इसलिए वीडियो है। और यहाँ पे जो 6 चैनल स्टेंजर का मिक्सचेंजर का SM6 ये कोई मिक्सर तो 6 माइक्रोफोन इनपुट के लिए और छोटा मोटा प्रोग्राम इस मिक्सर से आसानी से चल जाएगा। और ये देखिए ये एक आई रिग तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन कैमरे के साथ, ये तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ओपन कैमरे के साथ आई रिग के ज़रिए। तो आयशा साउंड की तरफ से ये मेरा ये वीडियो कौन कौन से एम्पलीफायर कितने वाट स्पीकर में चलाता हूँ। तो देख लिया आयशा साउंड की तरफ से छोटा वीडियो एम्पलीफायर के साथ कितने वाट स्पीकर मैंने लोड दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।